नमस्कार। हमने यादृच्छिक चरों को जिस भी रूप में देखा है वहाँ यादृच्छिक चरों को वास्तविक संख्याओं के रूप में ही देखा है, किंतु जिस प्रकार यह आवश्यक नहीं है कि सभी संख्याएं वास्तविक ही हों, हमने छोटी कक्षाओं में सम्मिश्र संख्याओं की अवधारणा अथवा कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अवधारणा को देखा था। सम्मिश्र संख्याएं अथवा कॉम्प्लेक्स नंबर्स अथवा कॉम्प्लेक्स संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनमें कि एक काल्पनिक भाग भी होता है, जिसे हम अंग्रेजी में इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, जहाँ हमारा मूल जो काल्पनिक भाग है अथवा काल्पनिक संख्याओं का जो एकक है वह आयोटा बराबर -1 का वर्गमूल। यह सरलतम काल्पनिक संख्या है। इसी काल्पनिक संख्या का प्रयोग करके हम सम्मिश्र संख्याएं x जमा आयोटा y बनाते हैं, जहाँ x एवं y यह वास्तविक इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यह करके हम काल्पनिक संख्याओं का समष्टि C परिभाषित करते हैं, जहां z बराबर x प्लस आयोटा y असल में दो वास्तविक संख्याओं से सम्मिश्र संख्याओं के समष्टि में, अथवा यह सी मिश्र संख्याओं का सी सम्मिश्र संख्याओं का समष्टि है। इसी प्रकार यदि हम एक यादृच्छिक चर Z को इस प्रकार परिभाषित करें कि Z बराबर है x प्लस आयोटा y, जहां यह एक वास्तविक यादृच्छिक चर एवं यह भी एक दोनों वास्तविक यादृच्छिक चर हैं, तब हम Z को प्रतिदर्श समष्टि से सम्मिश्र संख्याओं के समष्टि में एक फलन मान सकते हैं, एवं Z भी एक यादृच्छिक चर है। अब यह देखना सरल है कि यदि X एवं Y यादृच्छिक चर हों, तब यह होगा, अर्थात एक सम्मिश्र यादृच्छिक चर का मध्यमान ज्ञात करना सरल है। इसी प्रकार यदि हम एक सम्मिश्र यादृच्छिक चर के प्रसरण की चर्चा करें, तो उसके लिए पहले हमें एक यादृच्छिक चर के वर्ग का मध्यमान देखना होगा, अर्थात हमें इस प्रकार हमने यादृच्छिक चर z का वर्ग मध्यमान ध्यान रखिए, वर्ग मध्यमान मध्यमान का वर्ग नहीं है, यह x का वर्ग मध्यमान है एवं यह x के मध्यमान का वर्ग है। एवं इन दोनों का अंतर ही प्रसरण कहलाता है। अब जैसा कि हमने देखा था कि किसी भी यादृच्छिक चर x का वर्ग मध्यमान अथवा उसके वर्ग मध्यमान का वर्गमूल यादृच्छिक चरों के समष्टि में उसकी लंबाई के समान होता है, तो हम यह लिख सकते हैं कि यदि हम z के वर्ग मध्यमान की चर्चा करें
यह होगा। हम यह देख सकते हैं, यह देखना सरल है कि जेड का कुल वर्ग मध्यमान यह होगा। किंतु, एक बड़ा किंतु, किंतु यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक एवं सम्मिश्र धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, सम्मिश्र भी हो सकता है। तो यह एक यादृच्छिक चर की लंबाई की जो अवधारणा हमने देखी थी उसमें यह खरा नहीं उतरता, अथवा लंबाई की परिभाषा में यह खरा नहीं उतरता, क्योंकि लंबाई ऋणेतर ही हो सकती है। इसीलिए जिस प्रकार हमने सम्मिश्र चरों के संदर्भ में लंबाई को उसके निरपेक्ष मान के रूप में देखा था, हमने जिस प्रकार z उद्गम बिंदु से z की दूरी को उसकी लंबाई के रूप में देखा था एवं उसे हम z के निरपेक्ष मान के रूप में परिभाषित करते हैं, उसी प्रकार हम इस लंबाई की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए एक सम्मिश्र यादृच्छिक चर z का वर्ग मध्यमान इस प्रकार लिखेंगे, जहां बराबर है यह z का कॉन्जुगेट कहलाता है, यह z का कॉन्जुगेट कहलाता है, एवं यदि z x प्लस वाई है तब z कॉन्जुगेट x घटा आयोटा वाई हो। यह अंततः यदि z का मध्यमान म्यू z है तब z का प्रसरण गुणा यह z का प्रसरण होगा, एवं दो यादृच्छिक चरों z1 z2 जिनके मध्यमान म्यू एक और म्यू दो हैं, इनका सहप्रसरण यह होगा। यह देखना सरल है कि यह सिद्ध करना सरल है, किंतु इसे मैं इस कोर्स में सिद्ध नहीं करूंगा। इसी के साथ सम्मिश्र यादृच्छिक चरों की हमारी चर्चा समाप्त होती है। धन्यवाद।